वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल, एंड आज हम नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो इकानोडर्मेटा है उसकी वीडियो टू को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो वन डिस्कस हो चुका है, वीडियो टू के अंदर हम एम्बुलैक्रल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। एम्बुलैक्रल सिस्टम यानी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसे हम डिस्कस करेंगे, और किस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली, एस्टेरॉयडिया यानी जो स्टार फिशेज हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड एस्टेरॉयडिया। सो इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम फिगर में देख लेते हैं, फिर हम एक बार रीड ले लेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, अब जो सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रक्चर है मेटापोराइट। ठीक है, इस मेटापोराइट के में रिजिज और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्रूव्स होंगे, उन ग्रूव्स के अंदर नीली 200 पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो उन पोर्स से क्या हुआ, वाटर एंटर कर गया। ठीक है, इस मेटापोराइट में। अब मेटापोराइट के बाद मेटापोराइट इसमें कंटिन्यू है, इन स्टोन के नाल्स के अंदर कंटिन्यू है। क्लियर। अब इन जो स्टोन के नाल्स की ल्यूमन है, इसमें भी सर्टेन सेक्शंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो वाटर के फ्लो को थोड़ा सा रोकेंगे। ठीक है, अब इन स्टोन के नाल्स के बाद ये जो ये स्टोन के नाल्स है किसमें कंटिन्यू कर जाएंगी, ये कंटिन्यू कर जाएंगी इन रिंग के नाल्स के अंदर, जो रिंग के नाल्स हमें शो हुई है। ठीक है, रिंग के नाल्स के अंदर ओपन कर जाएंगी, और रिंग के नाल्स के बाद रिंग के नाल्स किसमें ओपन करेंगी, रेडियल के नाल्स के अंदर, जो रेडियल के नाल्स हमें दिख रही हैं इनके अंदर ओपन कर जाएंगी। ये 5 रेडियल के नाल्स दिख रही है ना हमें, ये भी है, ये वाली, ये भी, तो ये 5 रेडियल के नाल्स के अंदर ओपन कर जाएंगी। तो रेडियल के नाल से क्या हो रहा है, रेडियल के नाल से लेटरल के नाल्स निकल रहे हैं, जो मैंने फिगर में दिखाया अभी। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये हैं लेटरल के नाल्स। ठीक है, लेटरल के नाल्स होंगे, तो लेटरल कैनाल्स फिर किस में ओपन करेंगे, ट्यूब फीट के अंदर ओपन करेंगे। अब ट्यूब फीट में जो बेसल पोर्शन है वो है एम्पुला या एम्बिलैक्रल ग्रोथ में प्रेजेंट होगा, और जो इसकी टिप होगी, ठीक है, वो सकर होगी, और ये इस पोर्शन को सकर कहेंगे। एस्टेरॉयडिया में सकर्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फीट में। क्लियर, और ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। वाटर का फ्लो भी इस तरीके से ही होता है कि मेटापोराइट में एंटर किया, देन स्टोन कैनाल्स, स्टोन कैनाल्स से किस में एंटर किया, रिंग कैनाल्स के अंदर, रिंग कैनाल्स के अंदर, और रिंग कैनाल से रिडल कैनाल में गया। अब रेडियल कैनाल से किसके अंदर जाएगा, लेटरल कैनाल के अंदर, एंड लेटरल कैनाल से ट्यूब फीट में। ठीक है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलेंगे, जैसे ये पोलियन वेसिकल है। ये पोलियन वेसिकल क्या करती है कि ये वाटर स्टोर करती है, जब ये जो स्टार फिश है वाटर से बाहर आएगी तब ये वाटर काम आएगा उसके। और फिर एक स्ट्रक्चर हम और भी देखेंगे इसके अंदर, वो है टीडमैन्स बॉडी। जो टीडमैन्स बॉडी है ये क्या कर रही है कि हमने कहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अब तक हमने किस चीज़ की बात करी है, वाटर, लेकिन हमने तब तक वाटर की बात करी है खाली, है ना, वेस्कुलर कहीं भी कॉर्पसल्स वगैरह का तो नाम निशाना है नहीं। तो ये काम ये कंप्लीट करते हैं उस चीज़ को। तो टीडमेंस बॉडी है ये सिलो में कॉर्पसल्स फॉर्म करेंगे और उसे भी रिंग कैनाल में छोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी वो भी सर्कुलेट करेगी वाटर के साथ साथ। सो अब कंप्लीट हुआ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है जी, सो यही है, एक बार रीड ले लेते हैं। ठीक, आपको लाइन्स थोड़ी मिल जाएंगी नोट्स के अंदर, मीन्स यही चीज़ थी इसकी। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, क्या है, सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड अपेंडिजेस ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, सर्टेन कैनाल्स प्रेजेंट और सर्टेन अपेंडिजेस हैं जो बॉडी वॉल है उसकी। ठीक है, और इसे एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। और अच्छी वाली बात कि जो ये कैनाल्स होंगे ये लाइन्ड होंगे एपिथीलियम से, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो सीलिया क्या करते हैं, वाटर का फ्लो बनाए रखते हैं, है ना, और इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। क्लियर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेटापोराइट, स्टोन कैनाल्स, रिंग कैनाल्स, रिडल कैनाल्स, लेटरल कैनाल, ट्यूब फीट। ठीक है, और जैसे हर ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट होता है। अब हर क्लास के अंदर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो जैसे हमने एस्टेरॉयडिया पढ़ा, तो वहाँ हमने पोलियन वेसल्स भी पढ़ लिए है ना, एंड टीडमेंस बॉडी भी स्टडी कर ली। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं जो मेटापोराइट हैं, तो ये क्या, इनका काम क्या है कि जो सारे इंटरनल कैनाल सिस्टम है, जो रिंग कैनाल है, रिडल कैनाल्स हैं, लिटल कैनाल है, वो सब सी वाटर, जो बाहर सी वाटर है उससे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, थ्रू मेटापोराइट, बटन शेप्ड मेटापोराइट है, या फिर सी प्लेटी भी कह देते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, एबोरल सरफेस पर, एस्टेरॉयड में एबोरल सरफेस पर ही तो प्रेजेंट है, क्योंकि एनस है इस साइड, है ना, माउथ ओरल साइड दूसरी साइड, ओरल साइड है, ये है एबोरल साइड। ठीक है, सो इसमें ही रिजिज एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होता है, और ग्रूव्स में पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे, पोर्ट्स के थ्रू ये वाटर इसके अंदर आ जाएगा मेटापोराइट के अंदर। मेटापोराइट किसमें ओपन करेगा, स्टोन कैनाल्स में ओपन करेगा। ठीक है, इस स्टोन कैनाल्स की वॉल्स पे कई सारे कैल्केरियस डिपॉजिट्स होंगे। ठीक, और इसमें जो इसका ल्यूमन है, ये स्टोन कैनाल जो है इसका, जो यानी जो ल्यूमन पोर्शन है, ठीक है, सारा स्पेस है अंदर का, ये दो पैसेजेस में डिवाइडेड होगा। ठीक है,
और ये क्या कर रहा है, देखो इससे कंफ्यूजन मत होना, ये कह रहा है कि ये जो स्टोन केनाल है ठीक है, जनरली एस शेप होता है, तो ये ओरल साइड टुवार्ड्स ओरल साइड जा रहा है। हम तो कह रहे हैं मेटापोराइट एबोरल है ना, तो ये जो साइट है अगर बटन शर्ट एबो वो है मेटापोराइट, और ये इसमें से जा रही है स्टोन केनाल जा रहा है, सो ये कह रहा है टुवार्ड्स ओरल साइड, तो ओरल साइड तो नीचे के साइड है ना, इसलिए कह रहा हूँ टुवार्ड्स ओरल साइड। इसका इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली ओरल साइड है जहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। रिंग केनाल, अब क्या होगा, स्टोन केनाल किस में ओपन करेगा, रिंग केनाल्स में ओपन कर जाएगा। अब जो रिंग केनाल है उसमें से 5 रेडियल केनाल्स निकलेंगी, ठीक है, 5 रेडियल केनाल्स निकलेंगी। और ये जो केनाल है, अब जैसे मान लो अगर ये आर्म हुआ ठीक है, थिक एंड शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होता है, तो ये आर्म्स में टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके, स्टार फिशेज के। सो ये जो आर्म की टिप है जब टेंटिकल्स प्रेजेंट है ना, वहाँ तक लेके जा रहे हैं रिडल केनाल से, इतनी दूर तक जा रहे हैं ये, है ना। सो फ्रॉम द आउटर मार्जिन ऑफ द रिंग केनाल गिवन आउट 5 रिडल केनाल्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वाली, ठीक है। और जो सारी जो रिडल केनाल है वो हर एक आर्म के अंदर आगे तक जा रही है, ठीक है, टर्मिनेट कर जा रही है बिल्कुल टॉप तक, जो टॉप में टिप है यहाँ पे, टिप ऑफ द आर्म तक कर जा रही है, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, जो रिडल केनाल होंगी वो किस में ओपन करेंगी, इन लेटरल केनाल्स के अंदर ओपन करेंगी, ठीक है। तो लेटरल केनाल जो होगा वो किस में ओपन करेगा, वो जो ट्यूब फीट है उसके एम्पुलर रीजन में ओपन करेगा, ठीक है, एम्पुलर रीजन में ओपन कर जाएगा। फिर हमने जो बताया पॉलिन वेसल्स हैं, पॉलिन वेसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वाटर स्टोर करती हैं, और ये वाटर कब यूटिलाइज होता है, जब स्टारफिश जो है या फिर कहें सी स्टार वो पानी से बाहर होता है, ठीक है। ये भी किससे निकल रही है, रिंग किनारे से निकल रही है, और कितने नंबर है, 5, जैसे रिडल किनारे भी 5 है, ऐसे पॉलिन वेसल्स भी 5 है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टिडमेंस बॉडी, जो मैंने बताया था कि स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड टिडमेंस बॉडी प्रेजेंट है, इधर हम देख लेते हैं ये टिडमेंस बॉडी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं, सिलोमिक कॉर्पसल्स फॉर्म कर रहे हैं और इसे रिंग केनाल में पास कर दे रहे हैं, तभी कंप्लीट हुआ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब जो ट्यूब फीट है, एक शॉर्ट होलो इलास्टिक थिन वॉल्ड क्लोज सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एम्बिलिकल ग्रूव्स में प्रेजेंट है, और लेटरल केनाल इसके एम्पुला वाले रीजन में ओपन कर रहा है, ठीक है, जिसका ब्लैडर पोर्शन, ब्लैडर लाइक बल्ब लाइक पोर्शन है एम्पुला, उसमें लेटरल केनाल ओपन कर रहा है, ठीक है। और जो इसका बेसल पार्ट है वो स्वॉल मतलब उसमें सकर प्रेजेंट है ना, बेसल पोर्शन के अंदर सकर प्रेजेंट है, ऐसे सकर, और सबस्टेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर अटैचमेंट, ठीक है। सो यही था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, एक बार फिगर समझ में आ जाए तो सो साइड टर्म्स इजी लगती हैं, और नोट्स में ऑलरेडी साइड लाइंस प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो आपकी लेंथ भी बन जाएगी क्वेश्चन की। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हमने शेयर करें, एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ, इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये सर्विस एक बेटर वे में प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स बाय कर सकूँ, बेटर टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।